अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अदनान गोट फार्म, जहां आपको कुर्बानी के लिए मिलेंगे सुरई, ब्रिडल, सुजर, गुजरी नस्ल के उमदा बकरे, वो भी वाजिब दामों में, एट डोला गांव नियर अंतरिक्ष कंपनी पड़गा। आज भिवंडी शहर में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिससे भिवंडी शहर का कुल आंकड़ा पहुंचा 10,651। 466 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई, साथ ही 43 लोगों का इलाज जारी है। वहीं भिवंडी ग्रामीण में आज कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जिससे भिवंडी ग्रामीण का कुल आंकड़ा पहुंचा 14,191। 409 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई, साथ ही 266 लोगों का इलाज जारी है। भिवंडी ग्रामीण के कशेली गांव के रहवासी ब्रिजेश कुमार सिंह को AAH फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऑर्गेनिक सीड बनाने के लिए इन्वेस्ट करना तथा भारी प्रॉफिट का लालच देकर दिल्ली के 4 ठगों ने 27 लाख रुपए का चूना लगाया। ब्रिजेश कुमार से सिर्फ फोन और मैसेज के जरिए बात करके पीड़ित के मोबाइल पर लिंक भेजकर अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लिए, जो थे 27,23,511 रुपए। नारपोली पुलिस कर रही है मामले की जाँच। भिवंडी ग्रामीण स्थित प्रेसिडेंसी स्कूल में एक भी बच्चे का राइट टू एजुकेशन RTE के अंतर्गत एडमिशन नहीं लिया गया, जिसकी जानकारी भिवंडी पंचायत समिति की गट शिक्षण अधिकारी नीलिमा पाटिल को दी गई थी। लेकिन आज 9 जुलाई RTE की लास्ट डेट होने तक भी नीलिमा पाटिल ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके खिलाफ आज कई पेरेंट्स ने शिक्षण अधिकारी की ऑफिस का किया घेराव। पुणे में लेडी डॉक्टर के बाथरूम और बेडरूम से मिला हिडन कैमरा। पुणे कात्रज के भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटल के सर्विस क्वार्टर में रहने वाली लेडी डॉक्टर के बाथरूम का LED बल्ब खराब हो गया था। जब इलेक्ट्रिशियन को बल्ब चेंज करने के लिए बुलाया तो पता चला बल्ब में हिडन कैमरा है। तलाशी लेने पर बेडरूम के बल्ब में भी हिडन कैमरा बरामद हुआ। भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में सेक्शन 443 और IT एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जाँच। 25 मई 2021 से देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा लागू किए गए नए IT नियमों में ट्विटर की मुश्किलें और बढ़ी। ट्विटर ने अब तक सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों का पालन नहीं किया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को ट्विटर पर एक्शन लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही ट्विटर द्वारा अपॉइंट किए गए कंप्लायंस और ग्रीवेंसेस ऑफिसर को भी नोटराइज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। ब्रह्म मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान जारी किया है कि कोविड वैक्सीन सप्लाई शॉर्टेज के चलते आज से सभी कोविड सेंटर अगली सूचना तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार लगातार कोविड वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रही है, वैक्सीन की सप्लाई आते ही दोबारा सारे सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। मुंबई के रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि जिन्हें कोविड वैक्सीन लगाया गया है उन्हें मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाए, जिससे लोगों में वैक्सीन लगाने का उत्साह भी बढ़ेगा और जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है उन्हें भी सहूलतें मिलेगी, जिसका उदाहरण कर्नाटक का राज्य है, जहां वैक्सीनेट लोगों के लिए सरकार ने कई सुविधाएं मुहैया करवाई है। आज सेंसेक्स 182 अंकों की गिरावट के साथ 52,386 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 38 अंकों की गिरावट के साथ 15,690 पर हुआ बंद। गोल्ड 47,901 पे ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 5,557 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए।